हेलो गाइस, दिस इज खान एंड यू आर वाचिंग टेस्ट प्रिपरेशन खान। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुझे रिक्वेस्ट की गई थी, मुझे लोगों ने कहा था कि जो है वो कंप्यूटर साइंस के जो है वो एमसीक्यूज बनाएं, तो आज मैं उसके साथ मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये मेरा चैनल है, तो इसके ऊपर जो इंग्लिश और इंग्लिश की सीरीज अपनी जगह पर है, या रेड कलर की थीम इसकी है और ग्रीन कलर की थीम जो है वो मैथ्स की है। इसी तरह से मैं कंप्यूटर की फर्स्ट वीडियो है ये, तो वो मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो जो है इस चैनल की मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 की बुक जो है वो अवेलेबल है कंप्यूटर की सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट पर, तो वहाँ से मैंने ये बुक ली है, आप भी देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर क्योंकि वो है इंट्रोडक्शन के बारे में, सही। तो ये उसका फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और उसके कुछ एमसीक्यूज। मैंने देखकर जो जो भी पार्ट है वो मैंने उसके एमसीक्यूज बनाए हैं फर्स्ट के, आप देख सकते हैं। इसमें जो ज़्यादातर एमसीक्यूज हैं वो उनको कंप्यूटर से ज़्यादा अगर जनरल नॉलेज के अंदर डाला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, इस वजह से मैंने इनको भी ऐड कर लिया है, क्योंकि टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कंप्यूटर के सेक्शन में आए, जनरल नॉलेज के सेक्शन में भी आ सकते हैं, सही। जैसे सेकेंड एम सी क्यूज है, अबाकस वॉज, या अबाकस जिसे हम कहते हैं, वॉज इन्वेंटेड अबाउट डैश एयर्स अगो, इट इज ऑल्सो नॉन एज काउंटिंग फ्रेम एंड कंसिडर्ड एज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। तो ये अबाकस के हवाले से जो है वो सवाल आ जाता है, तो ये वैसे इसका आंसर 5000 एयर्स अगो है, और ये कहाँ मौजूद है ये हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले जो है वो ये मैं आपको बता दूँ, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट एम सी क्यू है। The evolution of computer is generally divided in three eras, like mechanical era, electromechanical era and dash era. तो ये इसके अंदर जो है वो electronic era कहलाएगा, ये है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम देख चुके हैं 5000 years ago, सही ना, 5000 साल पहले, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि 3000 BC, क्योंकि 2000 अभी चल रहा है, तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, तो टोटल ये 5000 years ही बनते हैं। और ये कहाँ मौजूद है हम देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से टॉपिक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, सही ना। ये फर्स्ट चैप्टर का है, इसमें तो तीन एराज हैं, एक तो मैकेनिकल एरा जिसको डार्क एज कहा जाता है, उसके अंदर ही है अबाकस जो है वो मौजूद है, इसके इमेज यहाँ पर गिवन है। इसके बाद देखते हैं आगे, और इसी तरह से कुछ और मशीन है जिनका जो है वो जिक्र है। एमसीक्यू नंबर 3 है, स्कॉटिश मैथमेटिशियन, और उसका जो है वो आगे दिया हुआ है डेवेलप, नाम जो है उसका असल में वो मैंने भी बीच में मिस कर दिया ताकि लोगों को पता चले कि उसका असल नाम पूरा कंप्लीट नाम क्या था, डेवलप नेपियर्स बोन। ये वो जो है वो कंप्यूटर था, ये वो मशीन थी जो इन्होंने बनाई थी। अब ये कब बनाई थी, 1612 में, और उसका नाम था नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन वॉज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने एमसीक्यू इस तरह से बनाया कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, मैथमेटिशियन का नाम, उस मशीन का नाम और एयर, ये तीनों कवर हो गए। तो ये कौन थे स्कॉटिश, तो ये थे जॉन नेपियर, ठीक है। और इन्होंने क्या बनाई थी, नेपियर्स बोन बनाई थी, सही ना, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है कि नेपियर बोन्स ने, जो कि स्कॉटिश मैथमेटिशियन है, नेपियर्स बोन्स के नाम से इस तरह से जो है वो मशीन बनाई थी जॉन नेपियर ने 1612 में। और ये इस मशीन की जो है वो तस्वीर है इसके अंदर, सही है। और इसके अंदर जो है रॉड्स वगैरह लगी हुई थी जिनकी मदद से कैलकुलेशन होती है। इससे ही तरह से स्लाइड रूल है, ये विलियम आउटराइट ने इन्वेंट की थी, इसका भी जिक्र मैंने कर दिया है। इसके अलावा पास्कलन और पास्कल्स कैलकुलेटर, इसका भी जिक्र है, अभी हम देखते हैं इसके एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 4 है, इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम आउटराइट इन्वेंटेड अ स्लाइड रूल, ये नाम है उस मशीन का, इन द एयर, कब बनाया था ये, 1622, अभी हमने देखा था उसको, सही। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंच मैथमेटिशियन मशहूर भी हैं ये, ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड अ मशीन कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर विच वॉज कॉल्ड पास्कलाइन। अच्छा, ये मैंने अंडरलाइन इसको करना था, ये रह गया, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। पास्कलाइन उन्होंने बनाई थी। अच्छा, इसको पास्कलाइन को जो है वो एक और नाम भी दिया जाता है, पास्कल्स कैलकुलेटर, नहीं ना। तो ये पास्कल जो है वो, इसे तो हम ज़्यादातर जानते हैं, एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही लैंग्वेज का नाम दिया था। तो इसको क्या क्या कहा जाता है, पास्कल्स कैलकुलेटर भी कहा जाता है और पास्कलाइन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये इसका आंसर है एमसीक्यू नंबर 5 का। नंबर 6 पे चलते हैं, तो ये क्या है, डैश वॉज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन
गॉटफ्रेड विलहम लेबेंस इन 1694 एडी कौन सी मशीन बनाई थी उन्होंने। तो मैंने इनके तीन हिस्से हैं नाम के, तो मैंने तीनों के साथ कैलकुलेटर लगा दिया, इसके अलावा जर्मन कैलकुलेटर एक और लिख दिया। तो बेसिकली कौन सी मशीन थी जो कि 1694 में बनाई गई थी, ये है इसका नाम, लेबनिज कैलकुलेटर। ओके, तो ये है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 का। और हम देखते हैं बुक में कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर मौजूद है। लेबनीज कैलकुलेटर वॉज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन, और ये 1694 में, और ये इसकी शक्ल है जिस तरह से ये बना था ये। ओके, उसके बाद आ जाते हैं, अब जरा कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी हैं ये। कैसे, डैश इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है पता है आपको यकीन, बिकॉज ही डेवलप्ड द फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन, जिन्होंने पहली कंप्यूटिंग मशीन जो है वो बनाई थी, और वो कौन है, वो है चार्ल्स बैबेज। सही, इनको कहा जाता है। और क्यों, कौन सी मशीन बनाई थी वो भी आ गया, सवाल आ गया कि फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ चार्ल्स बैबेज वाज कौन सी थी, तो मैंने एयरबी इसमें डाल दी, 1822 में इन्होंने बनाई थी, और वो कौन सी थी, वो थी डिफरेंस इंजन के नाम से। ठीक है, ये मशीन इन्होंने बनाई थी। इसके अलावा जो सेकंड मशीन बनाई थी इसका नाम था, वो आगे आएगा, जिसकी वजह से इनको जो है वो फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। सही, और वो क्या कि कंप्रीहेंसिव डिजाइन था और जनरल पर्पस कंप्यूटर के हवाले से। तो मैंने एमसीक्यू बनाया है, एमसीक्यू नंबर 9 है। हिस्टोरियंस कंसीडर डैश जो कि डेवलप हुई थी 1837 में टू बी द फर्स्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर बिकॉज ऑफ इट्स कंप्रीहेंसिव डिजाइन। तो क्या था ये था एनालिटिकल इंजन, ये है इसका आंसर। और जिसकी वजह से बेसिकली इनको जो है वो, ये दो मशीनों की वजह से इनको जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसके थोड़े से डिटेल इधर देख लेते हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बेबेज डिफरेंस मशीन इंजन के बनाया था, और 1837 में एनालिटिकल इंजन ये बनाया था, और इनकी तस्वीरें दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखें यहाँ पर, बेबेज डिफरेंस इंजन और बेबेज एनालिटिकल इंजन। ओके, ये हो गया। और यहां से मैंने ये लाइन ली थी कि हिस्टोरियंस कंसिडर इट टू बी द फर्स्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, और इसी की वजह से जो है वो, ये हमारा हो गया डार्क एज कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो सेकंड है वो है मिडिल एज, सिर्फ एक मशीन का जिक्र है, ये है टेबलेटिंग मशीन। इसका मैंने एक एमसीक्यू बना लिया है, और वो क्या है, एमसीक्यू नंबर 10, और वो है डैश वॉज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन इन्वेंटर हर्मन हॉलवर्थ इन 1890। अगेन मैंने एयर भी मेंशन कर दिया ताकि अगर आप इसको रिवाइज करने के लिए भी पढ़ सकते हैं, अगर टेस्ट की तैयारी करनी हो आपने। तो कौन सी मशीन थी, अभी हमने देखा था वो थी टेबलेटिंग मशीन, और उसकी खासियत ये थी कि ये सेंसस जो मर्दमशुमारी होती है 1890 की, उसमें जो है वो इस्तेमाल हुई थी, और उसको काम को जो है वो इतना फास्ट कर दिया था कि 6 महीने में वो काम कर लिया था जो कि पहले 7 साल में कम्प्लीट होता था। तो ये टेबलेटिंग मशीन की मदद से ये किया था। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक एरा या फिर मॉडर्न एज। और मॉडर्न एज जो तीन एराज हैं हमने देखे थे फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर, तो ये जो थर्ड एरा है उसकी बारी आ गई, और वो कहलाता है मॉडर्न एज। और इसमें आपने ये पढ़ा होगा फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो इसको भी मैंने समराइज कर दिया। ये हमारी वैक्यूम ट्यूब्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन से ताल्लुक रखती हैं, और ये कब से कब तक थी, 1940 से लेकर 1956 तक। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यू है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 टू 1956 बेस्ड ऑन, किस पे बेस करती थी, वो वैक्यूम ट्यूब्स हैं। सही ना, ये बल्ब की तरह के होते थे और ये गर्म हुआ करते थे और बहुत हैवी जो है वो जगह लिया करते थे। ठीक है, तो ये हुआ करते थे, और उसमें जो मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी इस जमाने में जो कि जीरोज एंड वन पर चला करती थी। बाद में जो है वो असेंबली और जो है फर्दर हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गए। इसके अलावा एक और चीज़ में जो मुझे नजर आई वो ये थी कि ये एमसीक्यू के अंदर जनरल नॉलेज के हवाले से आ जाता है, एनियक एंड यूनिवेक, ये दो जो है वो कंप्यूटर थे जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहलाते हैं, ये इन्वेंट हुए थे इस जमाने में, तो इनका जिक्र मैंने यहाँ पर कर दिया। और वो क्या है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एनियक स्टैंड फॉर, सही ना, ये यहाँ पर मौजूद है, आपको यहाँ से मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ये आपका ये है। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एनियक स्टैंड फॉर, अच्छा ये वो एनियक था तो ये होगा यूनिवेक। ठीक है, ये देखे ना यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने चेंज करना देखते हैं, यू एन आई वी ए सी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, यू एन आई वी ए सी।
सी, ठीक है। तो ये आपका यूनिवेक हो गया, स्टैंड फॉर, तो ये क्या है, तो यहाँ पर मौजूद है कि ऑटोमेटिक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, सही। तो इसका ऑप्शन है ये डी, ये आपका हो गया एमसीक्यू नंबर 13। अच्छा, जो लोग खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो ये कर लें कि जैसे ही मैं लेकर आऊँ एमसीक्यू, उसको पॉज करते हैं, वहां पर खुद आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद कंटिन्यू कर लिया करें, ओके। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एयर्स आर फ्रॉम कब से कब तक है? सेकेंड जनरेशन के पहले हमने देखा था, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दे दिया था 1940 से लेकर 1956 तक। तो सेकेंड जो जनरेशन वो स्टार्ट हो रही है वो है 1956 से, और सीधी सी बात है वो 1963 तक है, ये है सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन जो है वो कंप्यूटर, उसमें क्या यूज हुआ करता था, पहले में तो वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, ओके। तो ये उससे जरा बेहतर थे काफी हवालों से, सही ना। ये सब ट्रांजिस्टर, ये देखें सेकेंड जनरेशन की जो है वो ट्रांजिस्टर, ये उसकी तस्वीर भी दी हुई है, सेकेंड जनरेशन ईयर्स है। अच्छा, लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज होती थी? हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल होनी शुरू हो गई थी, असेंबली लैंग्वेज और फोर्ट्रान वगैरह। फोर्ट्रान क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज जो कि इस्तेमाल होती थी। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर्स के क्या है? IBM 7094 और IBM 1401, ये भी अगर याद रख लेंगे तो हो सकता है कि ये काम आ जाए कहीं। तो ये सेकेंड जनरेशन का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971 बेस किस पर करती थी? यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर्स के बाद यहाँ पर फिर आईसीज बन गए, जिनको कहा जाता है कंप्लीट फॉर्म में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये हो गया। तो देखें आईसीज ये बनी हुई है, और इस जमाने के अंदर जो है वो क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ती जा रही थी तो एडवांस लैंग्वेजेस भी आ गए, जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी आ गई? पास्कल, जो कि हमने देखा साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जो रखा हुआ है इस लैंग्वेज का नाम, कोबोल जो कि क्या है, कॉमन और बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये उस जमाने में यूज होती थी, और बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आ गए थे, और कौन कौन से पीसी आ गए थे? IBM 360 एंड IBM 370 एग्जाम्पल है उस जनरेशन की। उसके बाद हम जो करंट जनरेशन में पहुंच चुके हैं जो है फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे हमारे पास, तो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ करते थे, और माइक्रो प्रोसेसर देख लें, तस्वीर इस तरह की है, देखा होगा तो बड़ी सी चिप लगी होती है मदरबोर्ड के ऊपर। और जब ये आ गए तो फिर लैंग्वेजेस भी एडवांस हो गई, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, ये यहाँ पर हो गया, और हर घर में बेसिकली कंप्यूटर आ गया। एप्पल का मैकिंटोश और IBM का पीसी जो है वो उसकी एग्जाम्पल थी। अब तो जो है वो काफी सारे जो है वो कोर आई वगैरह इंटेल के आप देख सकते हैं कि वो अब इसमें आ गए। और खासतौर पर एक और इजाफा ये हुआ था इस जमाने में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है कॉमन हो गया था, GUI जिसको शॉर्ट पढ़ते हैं, जैसे कि विंडोज जो है वो इसी जनरेशन में स्टार्ट हुई थी। अब तो जो है वो यूनिक्स लिनक्स वगैरह जो है ये भी आ गए हैं, और मैकिंटोश का अपना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है, ओके। इसके अलावा लास्ट के अंदर कुछ और MCQs बनाने के 20 करने के लिए मैंने एक पेज और ले लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो की जाती है, इस एक इमेज को अगर याद रख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। डिफरेंट तरह से कंप्यूटर को क्लासीफाई किया जाता है, और जैसे कि टेक्नोलॉजी या टाइप ऑफ डेटा हैंडल, तो ये एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है, इस तरह से किया जाता है। साइज वाइज सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, इसके MCQs अभी मैं नहीं बनाया अभी मैंने, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लीजिएगा। इसके बाद साइज के अलावा पर्पस, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, तो इसी के मैंने तीनों के एक एक MCQ बना दिए। और वो क्या है, साइज के मुताबिक जो है कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड, कितनी तरह से हो सकते हैं। साइज हमने देखा था चार साइजेस थे हमारे पास, कॉमन से है ये साइज, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, एम पे इस तरफ आए थे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ डेटा हैंडल, कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ डेटा, तो हमने देखा था तीन थे, कौन कौन से थे, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। और लास्ट में क्या, अकॉर्डिंग टू पर्पज, तो जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, ठीक है, ये जो है वो टू टाइप्स हैं। ये मैं बुक के हिसाब से इस वजह से चल रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एडवांसमेंट आती रहती है, मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं, तो अगर हम बुक को फॉलो करेंगे तो वो जो एडवांस वाली चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट के अंदर जो बुक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आती हैं, जैसे PST GST का टेस्ट है, इस तरह के जो भी टेस्ट है उसके अंदर होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो वो जो कमेंट में जो है वो लिख सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए, उसके लिए बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच, बाय।